इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर एक योजना में आप सफल होंगे। प्रभु कई बार अपनी योजना आपको देगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मैं कभी टूटूंगा नहीं, मैं कभी डाउन नहीं जाऊंगा, मैं कभी श्रापों के नीचे नहीं होऊंगा। जिस तरह सूर्य की ज्योति दोपहर तक बढ़ती जाती है, वचन कहता है धर्मी की ज्योति बढ़ती जाएगी। आज से मैं घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा की फायर के नीचे कि मेरी ज्योति बढ़ती जाएगी, मेरी रोशनी बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुनो मेरी बात, फालतू बैठ जाओ आगे जितनी भी, बैठ जाओ फालतू लोग। मैं एक कारणवश आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी में लेके जा रहा हूं, उसका एक रीजन है। परमेश्वर ने मुझे एक डिक्लेरेशन मीटिंग करने के लिए बोला है, जिसमें हम सिर्फ घोषणा करेंगे, उस दिन प्रीच नहीं होगा। मैं वचन बोलूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे, आप बोलेंगे, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हैं, तो वो घोषणा किसी काम की नहीं। और उस घोषणा के साथ हम स्वीट लेंगे, स्वीट के साथ फॉलो करेंगे उसको। तो इसीलिए मैं चाहता था कि हम 3 हफ्ते लगातार पवित्र आत्मा से पहले भरपूर हों, ताकि जब हम अपने हथियारों को उठाएं, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कि जब हम अपने हथियारों को उठाएं तो हथियार जंग लगे ना हो, वो काम करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। और वो मीटिंग कोई मिस नहीं करेगा, आपका छोटा बच्चा भी आएगा और अनाउंसमेंट्स करेगा अपने लिए और बोलेगा अपने लिए, ओ आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस मीटिंग से पहले जब हम स्वीट लें और घोषणाएं करें, मैं चाहता हूं कि हम पवित्र आत्मा से सभी लोग परिपूर्ण हों। अपने हाथों को उठा। इसलिए मैं कहता हूं कि उस सुनो, लीडर का काम होता है कि लड़ाई को कैसे लड़ना है। तो परमेश्वर ने मुझे यह बुद्धि दी है कि अपने लोगों की अगुवाई कैसे करना है, ताकि इनको संपूर्ण टेस्टिमनी तक मैं ले जाऊं। कोई जन आज बचना नहीं चाहिए पवित्र आत्मा से भरे बिना, ताकि जब घोषणाओं की मीटिंग हो, कमला कर दिए पौधन शैतान ने। हाँ, आप समझ रहे हो? आप देखोगे उस दिन, आपको नहीं मालूम होगा कि वो रसौली जिसके साथ आप आए थे गायब हो चुकी। घोषणाओं के बाद आप देखोगे कहां गई पेन, कहां गया वो स्ट्रेस। नहीं है, खुदावन गाइड कर रहा है। शैतान ने एक एक जगह ब्लॉकेज लगा के रखी थी, किसी व्यक्ति ने फालतू पंगे लेके, और एक देश था जहां मुझे जाना था, और मेरे पास सभी देशों के वीजे हैं, और उस देश का नहीं था। पिछले 3 दिन रात के रोजों में उस देश का भी आ गया वीजा। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मसले विष से हल नहीं होते, आपको ठोकना पड़ता है शैतान को। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, अगर मुझे लगेगा कि मुझे एक और मीटिंग करनी है पवित्र आत्मा की परिपूरी के लिए, और अभी वो मीटिंग मुझे नहीं करनी, मैं तब तक उसे अनाउंस नहीं करूंगा। मैं तभी अनाउंस करूंगा जब मेरे दिल को तसल्ली होगी
कि अब ये प्रजा जो है खुदा की वो मीटिंग करने के लिए तैयार है। हाथों को उठा, आप जहां भी हैं एक ही डिमांड, खुदावंद मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, अभिषेक से भर, अपनी महिमा से भर। मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। होली गोस्ट फायर लग जाती है, समझो मैं निकल गया हूं वहां से। बताए क्यों? तुम भीड़ लगाओगे कोई नीचे आ जाएगा, तो मुझे निकलना पड़ता है। अगर तुम खड़े रहो बैठे रहो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।